की टॉप 10 खबरें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पुराने आबादी ग्रीन पार्क के पास आज दिन दहाड़े बाइक सवार एक युवक की आंखों में मैच डालकर 15 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज संभाली, लेकिन लुटेरों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। ये घटना पूर्व पार्षद एवं शराब व्यवसायी प्रेम नायक के बेटे के साथ हुई। कुछ दिनों पहले श्रीगंगानगर सूरतगढ़ बाईपास पर पिस्तौल की नोक पर ट्रोला लूटने की वारदात का सदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पंजाब के 4 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके 4 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी राजेश सिहाग ने बताया कि राम प्रताप का ट्रोला सूरतगढ़ बाईपास पर ठीक होने के लिए खड़ा था। ट्रोले का कैबिन ट्रेलर से अलग किया हुआ था। चालक मालू राम ट्रोले के कैबिन में सो रहा था। इसी दौरान देर रात करीब 1:30 बजे क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए 3 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर चालक को नीचे उतार दिया और ट्रोला कैबिन लेकर फरार हो गए। मोहाली में एक महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की नीयत से कार की टक्कर मार देने के मामले में मोहाली पुलिस ने श्रीगंगानगर के 3 युवकों को आरोपी माना है। मोहाली पुलिस ने इस मामले में श्रीगंगानगर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। मोहाली में ये घटना 29 अगस्त की सुबह हुई थी। इस घटना में दविंदर कौर और उनकी बेटी कृतिका सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी सचिव वैभव गलेरिया ने पुलिस और प्रशासन से कहा कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पाबंद करें और जिन पर कार्यवाही करनी है उन पर तुरंत से एक्शन लें। नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। गलेरिया कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 12 में रहने वाली पति पत्नी आज अलसुबह सैर पर निकले और पीछे घर में चोर घुस गया। अज्ञात चोर मोबाइल और चार्जर चोरी करके ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस कप्तान हेमंत शर्मा ने गत दिवस पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की लंबी सूची जारी करते हुए तबादले किए थे, लेकिन मनचाहा थाना नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक को एक बार फिर संशोधन के साथ तबादला सूची जारी करनी पड़ी। इस सूची में गत दिवस शहर से बाहर भेजे गए 3 SI वापस मनचाहे थाने में पोस्टिंग करवाने में कामयाब हो गए। ताजा सूची में 7 सिपाहियों का पूर्व में किया गया तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने 20 मंत्रालय कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इसमें नरेंद्र कुमार कनिष्ठ सहायक को उपकोष कार्यालय सादुलशहर, गुरतेज सिंह को कोष कार्यालय श्रीगंगानगर, अशोक सोलंकी सहायक प्रशासनिक अधिकारी को विकास शाखा कलेक्ट्रेट से उपखंड कार्यालय श्रीकरणपुर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने राजस्व पटवारियों और भू अभिलेख निरीक्षकों के तबादले किए हैं। इसमें 81 पटवारियों के तथा 45 भू अभिलेख निरीक्षकों को बदला गया है। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनाने की मशीन पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ी है। इस कारण सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि हर रोज यहां 100 से अधिक लोग आते हैं और सिर्फ ये पूछकर चले जाते हैं कि आधार कार्ड कब बनने शुरू होंगे। इस मामले में यहां उपस्थित कार्मिकों का एक ही जवाब होता है कि दिल्ली से सिस्टम में गड़बड़ी है, इसे ठीक करवाया जा रहा है। दीपावली में एक माह से भी कम का समय रह गया है। इसके बावजूद प्रशासन ने दीपोत्सव पर पटाखे विक्रय के लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। मंगलवार को अनेक दुकानदार श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट की न्याय शाखा में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी के लिए चक्कर लगाते रहे। इन्हें बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी पत्रावली अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के पास भिजवाई जा चुकी है। गुरुवार तक अनुमति मिलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में नरमा की खरीद इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर हो रही है। कई दिनों से प्राइवेट बाजार में नरमा के भाव समर्थन मूल्य से अधिक बने हुए हैं। मंगलवार से भारतीय कपास निगम ने दोनों जिलों के 14 केंद्रों पर खरीद शुरू की। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर